नमस्कार मम्मा बच्चा में आप सबका स्वागत है। बच्चे का जो शुरू का 5 से 6 साल होता है उसमें बच्चे का जो ब्रेन है वो काफ़ी तेजी से डेवलप होता है। उस टाइम पे हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी चाहिए, खेलनी चाहिए, जिससे कि जो ये ब्रेन डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छे से हो सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि आप बच्चों के साथ केवल घर पे ही कर सकते हैं और जिसके लिए आपको हार्डली 20 या मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ही खर्च करने होंगे। इसके लिए आपको कोई महंगे टॉयज़ या खिलौने लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फटाफट इस वीडियो को शुरू करती हूँ, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को आप 1 साल से के बच्चों के साथ आराम से खेल सकते हैं। जो 1 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके साथ आप आराम से खेल सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी की बात करेंगे जिससे कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो बढ़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक टेबल पे टेप्स, जो सेलो टेप आता है मार्केट में, चाहे तो आप कलरफुल सेलो टेप्स ले सकते हैं, 2-3 तरीके के कलर्स के ले सकते हैं, और उसको आप टेबल पे एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करते हुए स्टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आप बच्चे को बताइए कि उसे कैसे रिमूव करना है एक के बाद एक। इससे बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेलो टेप आपको हो सकता है आपके घर पे भी हो या आप अगर लेकर भी आ जाएंगे मार्केट से तो आपके यूज़ में आ ही जाएगा। तो ये एक एक्टिविटी थी जिससे कि बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरी एक्टिविटी की बात करेंगे मैचिंग कार्ड्स की। तो मैचिंग कार्ड्स भी आप अपने घर पे बहुत आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का फोटो इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि लेट्स से मैं मदर की बात कर रही हूँ, अगर बच्चे की मॉम है जो, उसकी 2 फोटोज ले लीजिए सेम तरीके की और उसको आपको कार्ड पर स्टिक करना है। तो ऐसे करते हुए सारे फैमिली मेंबर्स का फोटो, 2-2 फोटो लेकर अलग अलग कार्ड पर स्टिक कर दीजिए और उसके बाद बच्चे को बताइए और मैच करना सिखाइए। तो इससे बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इंप्रूव होगी और साथ में इसके जो बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो बढ़ेगा। एक्टिविटी है पिक्चर फन। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक शीट ले लीजिए और उसमें तरह तरह के, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जिससे भी बच्चा फैमिलियर है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर हो गए, एनिमल हो गए, इन सब का फोटो आप लगा दीजिए एक शीट पे। या आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें एक पेज पे ही बहुत सारे चीज़ें बनी हुई हैं तो वो भी वर्क करेगा। इसके बाद आप बच्चे से पूछिए, लेट्स से जैसे कि पूछे बच्चे से ऑरेंज कहाँ पर है तो बच्चा बताएगा, फिर आप पूछिए कि काऊ कहाँ पर है तो बच्चा देख के बताएगा। इससे भी बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, क्योंकि जो बच्चा उस टाइम पर क्या करेगा, देखेगा, ढूंढेगा शीट में चीज़ों को कि कहाँ पर क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। नन्नू अभी मामा क्या है इसलिए मैं इस एक्टिविटी को आपको वीडियो दिखा नहीं पा रही हूं, क्योंकि उसकी इस टाइम पे वो बुक्स और ये सब नहीं है, वो उसके दादी के यहां पर है। अदरवाइज मैं आपको ये सब सारी चीजें वीडियोस पे ही दिखाती, लेकिन नन्नू इस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और ये आई एम श्योर आपका बच्चा भी एंजॉय करेगा। प्लीज इस एक्टिविटी को जरूर अपने बच्चे के साथ खेलिएगा। चौथी एक्टिविटी बहुत ही फनी एक्टिविटी, बहुत मजा आएगा आपको बच्चे के साथ। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी डिस्पोजल ग्लास होते हैं या फिर नॉर्मल ग्लास कप कुछ भी ऐसा लीजिए, 3 कप, लेट्स से आपने 3 कप लिए हैं, उसके बाद आप कोई भी एक चीज लीजिए छोटी सी, लेट्स से आप कोई रिंग ले लीजिए या बच्चे का कोई छोटा सा टॉय ले लीजिए, उसके बाद आप 1 कप में छुपाकर उसको ऐसा शफल कर दीजिए और बच्चे को पूछिए कि कहाँ पर है वो। तो बच्चा भी एंजॉय करेगा, बताएगा, और जब उस बच्चे अगर बच्चा पहचान जाए सही ग्लास है जिसमें एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, अगर वो पहचान जाए उसको अप्रिशिएट करिए, क्लैपिंग करिए, और इस तरह से उसको भी बहुत मजा आएगा और आपको भी बहुत मजा आएगा बच्चे के साथ खेलने में। जो हम मदर होते हैं, जो स्पेशली जो वर्किंग नहीं है, उनके पास बहुत टाइम होता है बच्चे के साथ, अगर आप इस तरह के गेम खेलेंगे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बच्चा आपको बहुत अच्छे से समझेगा और आप भी बच्चे के साथ खेलना बहुत पसंद करेंगे। तो ये वाली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इससे भी बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, विजुअल मेमोरी है जो, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब बात करती हूँ मैं लास्ट एक्टिविटी की, ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 कलर के बलून्स लेने हैं और उसी कलर के आपको पेंट कलर्स लेने हैं। आप एक ड्राइंग शीट लीजिए और
आप बच्चे को बताइए कि येलो कलर का अगर बलून लिया है बच्चा, उसको येलो कलर में ही लगाकर और ड्राइंग शीट में उसे पेंट करना है। इस तरीके से बच्चे को कलर का भी आइडिया लगेगा। बेशक अभी अगर बच्चा छोटा है तो कलर तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन वो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि येलो बलून है और येलो पेंट कलर है, मतलब इनका कुछ तो कोऑर्डिनेशन है, ये सेम सेम कलर के हैं। तो इस तरह से बच्चे का इस एक्टिविटी से भी विजुअल मेमोरी बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ आप ये एक्टिविटी ज़रूर से आप अपने बच्चे के साथ खेलिएगा, इससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छा होगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फटाफट अब इसे लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और भी ऐसी वीडियोस लेकर आए तो आपसे वो मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच।